दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे तीन प्रकार के कामों के बारे में जो तीन प्रकार के काम करते समय अगर कोई भी पुरुष किसी भी औरत को देखता है तो उस पुरुष के लिए वो बहुत ज़्यादा पाप होता है। हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदू पुरातन ग्रंथों में तथा वेदों में ऐसे तीन प्रकार के कामों का जिक्र किया गया है जो तीन प्रकार के काम करते समय अगर कोई भी पुरुष किसी भी औरत को देखता है तो उस पुरुष के ऊपर बहुत बड़ा पाप उसके ऊपर आता है और ऐसा पुरुष कभी भी अपने जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन पाता। तो अगर आपको जानना है कि कौन से है वह तीन प्रकार के काम जो तीन प्रकार के काम करते समय किसी भी पुरुष को किसी भी औरत को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए तो आज का वीडियो आप दोस्तों पूरा देखे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले प्रकार का जो काम है वो दोस्तों कौन सा है कि स्तनपान करते समय। हाँ दोस्तों हिंदू पुरातन ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई भी औरत यानी कि अगर कोई भी स्त्री अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है यानी कि अगर किसी औरत का छोटा बच्चा है और उस बच्चे को वह अपना दूध पिला रही है तो वह स्तनपान करते समय अगर कोई भी पुरुष उस औरत को गंदी नज़र से देखता है तो उस पुरुष के ऊपर बहुत बड़ा पाप आ जाता है और ऐसा पुरुष मरने के बाद नर्क में जाता है। और दोस्तों दूसरे प्रकार का जो काम है वो दोस्तों कौन सा है कि कपड़े बदलते समय। हाँ दोस्तों हिंदू पुरातन ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि कपड़े बदलते समय अगर कोई भी पुरुष किसी भी औरत को जानबूझकर देखता है तो वह भी दोस्तों पाप में आता है और ऐसा भी पुरुष कभी भी अपने ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। तो किसी भी पुरुष को किसी भी औरत को कपड़े बदलते समय बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और दोस्तों तीसरे प्रकार का जो काम है वो दोस्तों कौन सा है कि स्नान करते समय। हाँ दोस्तों अगर कोई भी पुरुष और अगर कोई भी लड़का अगर किसी भी औरत को स्नान करते समय देखता है यानी कि अगर कोई भी औरत नहा रही है और नहाते समय अगर कोई भी पुरुष जानबूझकर चुपके उसको देखता है तो वह भी दोस्तों पाप में शामिल होता है और ऐसा भी पुरुष मरने के बाद नर्क में जाता है। तो हिंदू पुरातन ग्रंथों के अनुसार किसी भी पुरुष को औरत को स्तनपान करते समय नहाते समय और कपड़े बदलते समय यह तीन काम करते समय बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।